Hey guys, I'm Anas Pathan. I'm back with a new video. आज की वीडियो में आपको different types of product use करना सिखाऊंगा. So एक मिनट. सॉरी उसकी कॉल के लिए. सो आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करना सिखाऊंगा, जैसे वैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स, हेयर स्प्रे, ड्रायर और भी कुछ चीज़ें. सो ये जो है, ये बताओ, दिखा क्या हो कैमरे में, क्या है ये? हीलियम का क्ले है. क्ले और वैक्स में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज वो भी दूर कर दूंगा. लो बेटा, सो ये जो अभी सिचुएशन है मेरे बालों की, मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ. जी हाँ, सो के उठा हूँ. सो आइए आपको दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आप जब भी अपना हेयर स्टाइल सेट करोगे तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप अपने बालों को गीला कर दें. सो देख रहे हो, मैं गीले करके कुछ बाल ऐसे हो गए. तो पहले तो आप एक बार अपने बालों को ऐसे सुलझा लें, ताकि कोई आपको मतलब उलझे हुए बाल होते हैं जब आप सो के उठते हो ना, तो कि सारे सॉल्व हो जाए आपके बाल. हाँ, सो सबसे पहला स्टेप, मेन स्टेप आपका होता है ये और ये. सो अभी मैं इसको नॉर्मल एयर पे कर रहा हूँ. और जो भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करता है, बालों के प्रोडक्ट ज़्यादातर आजकल हर कोई यूज़ करता है, तो उसको मतलब वीक में दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम दो दिन तो उसको ऑयल अपने बालों में लगाना चाहिए, क्योंकि जो हेयर प्रोडक्ट्स के केमिकल होते हैं वो आपके बालों को थोड़ा डैमेज कर देते हैं, तो ऑयल उसको कंट्रोल कर देता है. सो अब थोड़े थोड़े मेरे सूख गए हैं, सो अब मैं हॉट एयर का यूज़ करूँगा. सो मेरे बाल निकल के ड्राई हो गए हैं. सो मैं अभी कोई मतलब कोई प्रोडक्ट लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं. सो मैं आपको सारे तरीके से बताऊंगा, और इन प्रोडक्ट मुझे यूज़ करे हुए हैं, मैं किसी को मतलब बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ. जो मुझे अच्छा लगा मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ. सो फर्स्ट क्या बताऊँ फर्स्ट ये, इसका मैंने टैग वैग हटा दिया है. फर्स्ट ये है लोरियाल. लोरियाल का है ये आपको मिल जाएगा 250 से 300 के बीच में. तो कलरलेस होता है, स्मेल इसकी अच्छी है. और तो दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा ऐसे रख के. इनको आप ऊपर यूज़ करते हैं, वैक्स को कभी आप मतलब ऐसे बालों के अंदर नहीं. वैक्स आपका जब यूज़ होता है, जब आपने अपने ड्रायर से अपने बाल सेट कर दिए हैं, आपको पता है आपको ऐसे रखने, तो आप हल्का हल्का अपने ड्रायर मार देते हैं. सो अभी मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हूँ, आपको फाइनल टच दिखाऊंगा. और जो मेन वीडियो है उसके बाद आपको बताता हूँ, हेयर जेल और हेयर वैक्स में डिफरेंस ये होता है. जो जेल होता है, जेल नॉर्मल सब जानते हैं, जेल जेल आप कहीं भी बैठोगे तो वो जेल ही बोलेंगे, भाई जेल लगा लें. जेल से आपके बालों को एक हार्ड लुक मिलता है, और मतलब वो ऐसा होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते. आपने एक बार जेल से अपने बाल अपने सेट कर लिए हैं, तो वो पूरे दिन आप बाइक चलाओ, आप कहीं से भी कुछ भी करो, कितना भी कुछ ट्राई करो, आपके बाल चेंज नहीं होंगे. और इसका एक फ़ायदा है, जेल का एक बस एक ही फ़ायदा है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, कि ये नॉर्मली वाटर से वॉश हो जाता है. और जहाँ तक रही वैक्स की बात, वैक्स आपके बालों को एक वॉल्यूम लुक देता है, और आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो. बट वैक्स के लिए आपको शावर लेना पड़ेगा, और बिना शैम्पू के आप वैक्स नहीं, आप अगर वैक्स करा है तो आप ट्राई करें कि रात को आप शैम्पू करके सोए, वरना अगले दिन कर लें. बस इनमें ज़्यादा फर्क यही है और कुछ नहीं है. वैक्स जेल से ना एक मतलब हार्ड लुक आ जाता है, कि आपके बाल ऐसे हैं तो आपके बाल ऐसे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो आपके बाल नहीं चेंज होंगे. और वैक्स में आप अपना बालों का मतलब आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो. सो बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स हैं. और क्ले
ये जो मैंने यूज करी थी वो थी हीलियम 0G, ऐसे बॉक्स में आती है 550 या 650 के रेंज में। सो इसका जो टेक्सचर होता है, इसका क्या काम होता है, ये थोड़ा ब्राउनिश कलर में होती है और इसको आप, अब इसकी आपके बालों में एक रफ लुक देती है। रफ लुक बोले तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसमें रफ लुक उसे कहते हैं कि मतलब कि रफ लुक बोले तो जैसे आपने ये हाईलाइट करवाया, मेरा भी थोड़ा सा ही है, मैं अभी और करवाने वाला हूँ। हाईलाइट को आपको ये और शाइन देती है, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक है ये MG5 जैसे ही है, एक है मेरे पास गैस पे की। सो जो ये है गैट्सबी की, ये आपके बालों को हार्ड लुक नहीं देती, ये आपके बालों का सिर्फ वॉल्यूम सेट कर देती है। जी हाँ, वॉल्यूम सेट कर देती है, उसके बाद आप कैसे भी अपने बालों को सेट कर सकते हो। और सबसे सीरम 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 सीरम, जैसे आपको पता होगा मैंने पहले भी दिखाया था सीरम, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि अच्छा रहता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे उसके बाद हल्का सा आप सीरम लगाओगे तो आपके बालों में एक शाइन बनी रहती है। और लास्ट में आता है इससे क्या होता है, इससे ये भी थोड़ा थोड़ा जेल का काम करता है। जैसे आपने बालों में अपने सब जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो आपने यूज़ करा, और लास्ट में आप अगर ये अपने बालों को टेक्सचर दे दोगे तो आपके बाल वैसे ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं। सो मैं आपको बताऊँगा, मैं अपना फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ से और फाइनल से। सो चलिए, जैसे मेरा एक मेन जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था वो ये कि मैं कैप को ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने बालों को फाइनल टच देने के लिए। सो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा, ड्रायर यूज़ करा, और मैंने जिस साइड अपने बालों का पफ हमें ले जाना है उसके अपोजिट साइड करके कुछ ऐसे करके कैप लगा लिया है। तो मैंने आपको ज़्यादातर सारी चीज़ें बता दी हैं, और बस मेन जो रोल ये है कि आप अपने बालों को थोड़ा सा गीला करें, उसके बाद आप हल्का सा अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए ड्रायर करें। ठीक है, ड्रायर आप हॉट एयर और नॉर्मल हेयर, मतलब हॉट एयर नॉर्मल एयर अब सही है, नॉर्मल एयर पे आप वो करें, और उसके बाद आप हल्का सा जो भी आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है वो यूज़ करें। और फिर जो मेरा मुझे अच्छा तरीका लगता है, मैं प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अपने बाल जब फाइनल देने के लिए एक अपने जिस साइड अपोजिट करना होता है उस साइड करके कैप लगा देता हूँ, और जब फाइनल होगा तो उसके बाद सीरम लगाते हैं। और जो आजकल चल रहा है चारकोल मास्क, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सच्ची बताऊँगा यानी कि लोगों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ भाई, तो इसके बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ। सो आप मुझे कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना है, बुराई करनी है तो बुराई कर लो यार, मैं किसका मुंह रोक सकता हूँ। और थैंक यू सो मच 7K फैमिली, बहुत अच्छा लग रहा है 7K सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई नो बहुत छोटी चीज़ है पर फैमिली तो फैमिली है यार, 7K फैमिली। सो कीप सपोर्टिंग, मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टा पर, ऐड कर सकते हो स्नैपचैट पर, और सब्सक्राइब, ये तो चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और थैंक यू सो मच। बस मैं वो आ जाए तो फाइनल रिजल्ट आपको दिखा के वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। Baby.